अलैकुम बड़ी अम्मी, क्या कर रही हैं? वालेकुम सलाम। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे किस खुशी में बड़ी अम्मी कहने लगी? जैन अली कहता है ना, अब तो शायद इसलिए, और मैं इस घर की बहू भी हूँ। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ जैन अली की बड़ी अम्मी हूँ, तुम्हारी नहीं। जी नूरजहाँ मामी, वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी ज़रूरी, शफ़क के मुतालिक। शफक के मुतालिक तुम्हें क्या बात करनी है? एक्चुअली मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है उसके लिए। लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कल जब मैंने उसे जिक्र किया तो वो अच्छा, तो इसीलिए वो पूरी रात रोती रही। तुम्हारी इसी बात ने उसका इतना बुरा हशर कर दिया। मैं यही तो कह रही हूँ आपको, आप कुछ समझाएं उसे, वरना तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ, तो तुम तो चाहती यही हो, क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हारे रास्ते का तो कांटा निकल जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं खुदा ना करे ऐसा कभी चाहूं शफक के लिए। क्या तुम्हें सगी माँ से ज्यादा एहसास है उसका? है, तुम क्यों फिक्र करने लगी? जिस कर्म में वो आज है, सॉरी, लेकिन उसकी वजह भी आप ही हैं। क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि बड़ों से किस तरह मुखातिब होते? बदतमीज लड़की, मैं अभी बताती हूँ जैन अली और अकबर अली को, कि देखें अपनी चहेती की जुबान। देखें, आप खामखा में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और मैं हर हाल में शफक का भला ही चाहती हूँ। तो ना करती ना जैन अली से शादी? बढ़िया, इसका भला करने वाली है। तुम्हारी बातों का जादू सिर्फ तुम्हारे मियाँ पे चल सकता है, हम पे नहीं। आपको तरस नहीं आता? बेटी है आपकी, हालत देखी है आपने उसकी। क्यों, तुम उसकी माँ से ज्यादा सगी हो उसकी? अम्मी आप रहने दें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। देख रहे हो क्या कह रही है? ये कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो रही है। तो कहने दे, लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट? अमेजिंग। तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं ना आपके मामले में बोलूंगी और ना ही इसके। आप जाने और आपकी बेटी। देखा तुमने, कितनी बदतमीज और बदजुबान लड़की है ये। इसके कसबल तो मैं अच्छी तरह निकलवाऊंगी जैन अली और अकबर अली से कहकर। जाने दे अम्मी, फिर आप ही पर इल्जाम आएगा कि आप उसे खुश नहीं देखना चाहती। छोड़ो इसे, तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें उदास देखकर ये लोग खुश होते हैं। कितनी बार समझाया तुम्हें, खुश रहा करो।